प्रेज द लॉर्ड, खुदावन की मधुर नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। ये आज बहुत ही खुशनुमा दिन है। हम सब जानते हैं कि आज न्यू ईयर का पहला दिन है, 2022 शुरू हो चुका है। और आज जबकि हम सब बहुत ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, खुदावन में शादमान हैं और बेहद खुशी होने के कारण आज हम फिर से खुदावन की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदावन तेरी महिमा हो कि पिछले साल यानी कि 2021 में जो कि गुजर चुका है, प्रभु ने हम सबको जिंदा रखा। हालांकि बहुत सारे हमारे प्रियजन, हमारे अजीज, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु और ऐसे लोग जिनको हम शायद जानते भी नहीं थे, दुनिया छोड़ के चले गए। और परंतु परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, इसलिए कि ताकि हम उसकी महिमा, उसकी वर्शिप करने पाएं, उसका गुणानुवाद करने पाएं। सो हमारे लिए हर एक दिन जो है वो बहुत ही बेशकीमती है। और ये साल जो कि 2022 मेरे और आपके लिए ऑलरेडी खुदावन परमेश्वर ने दे दिया है ताकि हम उसकी गुणानुवाद करें, महिमा करें। सो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा सलाम, जय मसीह की, और बहुत बहुत बधाइयाँ हों। ये साल जो है ये बहुत ही आशीष का कारण बनने पाए आप सभी लोगों के लिए। यही मेरी गुजारिश है खुदावंत से। हालांकि हम सब वचन कई बार सुनते हैं, कई बार गीतों को गाते हैं, महिमा करते हैं, परंतु मैं आपसे आग्रह ही करता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने हृदयों को खुदावंत के सामने लाएं, उससे विनती करें और होने दें कि ये साल जो है वो थैंक्स गिविंग का ईयर होने पाए। जो पिछले सालों में आपने शायद उन बातों को धन्यवाद नहीं दिया होगा खुदावन को, तो ये एक सुंदर अवसर है कि हम सब मिल करके, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं हूँ, आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें और कहने पाए, यस लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट गॉड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी एडोर योर होली नेम, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने समय को हम शुरू करेंगे। खासतौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय बहुत से ऐसे अजीजों के लिए जिन्होंने बहुत उत्साहित किया है मुझे परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, और ये अवसर भी दिया है कि मैं खुदावंत की मनादी करने पाऊँ। ऐसे बहुत सारे पेजों के द्वारा उन्होंने मुझे अवसर दिया है और मेरा ये सौभाग्य है। एक बार फिर से भाई अनुपम डेविड और उनकी पत्नी शबनम डेविड और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आगरा मंडली के एक प्रमुख सदस्य हैं। और उनका पेज जो है वो इसलिए स्थापित किया गया है कि हम मसीह लोग जहाँ कहीं भी हैं, हम उत्साहित हों, वचन को सुन करके हम सब मिल करके उसकी महिमा करें और खुदावन के प्रेम में और बढ़ें और मजबूती जड़ पकड़ें और बढ़ते जाएं। तो यही उनका मकसद है और आज मेरा भी मकसद यही है। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें आज परमेश्वर का जो उसने हमारे जीवन में गुजरे साल में किया है, और उससे बढ़ करके आइए हम प्रार्थना करें कि ये साल जो है आत्मिकता का साल हमारे जीवन में होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें, जहाँ कहीं भी आप हैं, खुदावंत के नाम से अपना राइट हैंड, दाहिना धर्मी हाथ उठाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन की आपने ये मुझे और हमारे प्रियजनों को ये अवसर दिया है कि हम तेरा गुणानुवाद करने पाए। पिछले साल भर आपने हमें हर एक इन्फेक्शन, बुरी बातों, एक्सीडेंट, खौफ खतरों, शारीरिक समस्याओं से बचाया है और इस साल में प्रवेश कराया है ताकि आनंदित होकर के हम हर्षोल्लास से भर करके तेरी महिमा करने पाए। और ये साल जो है हम सबके लिए खुदावन आत्मिकता का साल होने पाए, धन्यवाद देने का साल होने पाए, और हम तुझे मिलकर के धन्यवाद देने पाए, तेरा गुणानुवाद, महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने पाए उन सब बातों के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में की है, और बहुतायत के साथ आपके वचन में, आपके ज्ञान में, बुद्धिमता में, खास तौर पे विजडम में हम बढ़ने पाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। जितने जितने मिनट्स हम लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर तेरी आराधना करते हैं इस पेज के माध्यम से, प्रभु तुझे वो भाने पाए। और उन्हें देख खुदावन की हमारा गीतों का गाना, वचन का सुनना व्यर्थ ना जाए, परंतु ये हमारे इस साल के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद देते हुए ये विनती आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
मैं धन्यवाद देता हूँ पिछले सालों में भाई पास्टर संदीप मिंज और गजानन राजकुमार गिल, पास्टर राजकुमार गिल, ये बहुत ही अजीज लोग हैं, और भाई डे अनुपम डेविड, ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं, बहन रचना, लिली, बहन टीना, लूथर, शालिनी चार्ल्स, और ऐसी हमारी और प्रिय बहनें लोग हैं, भाई लोग हैं, नंदू, पास्टर नंदू, पास्टर अतुला नंदू, अतुला पास्टर नंदू, और पास्टर किरण, पास्टर करण, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे हम सब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग खुदावंत की महिमा करते हैं अपनी कलीसियाओं के द्वारा। आप जितने भी भाई लोग हैं, ये बहुत ही दूर दराजों में ऐसे अनरीच्ड अनएंगेज विलेजेस में काम करते हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय भाइयों। खुदावंत में लगातार बढ़ते रहिए। ये साल जो है वो आपके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये साल परमेश्वर परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे द्वारों को खोले और आपकी आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम सब मिल करके एक गीत गाएंगे। एक गीत बहुत ही प्यारा है और बहुत ही विशेष है, और हम लोग कई बार सुन चुके हैं, परंतु जहाँ कहीं भी आप हैं, आइए अपने हाथों को उठा करके हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद कहें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आज हम हैं वो तेरे कारण है, तुम हाले लुए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति पूरी करके पाऊं
थैंक यू या भाई गजानन अहिरवार लिख रहे हैं, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू सर फॉर लास्ट ईयर वॉज सो ब्लेस्ड विथ यू, वाओ प्रेज गॉड, यस इवन आई ऑल्सो ब्लेस्ड बाई योर प्रेजेंस, मैं भी आप लोग आते हैं। और भाई संदीप मिंज लिख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, वेरी गुड, प्रेज गॉड, आप सभी को बहुत बहुत परमेश्वर ये नया साल जो है प्रभु में आनंदित हों आप लोग और लगातार खुदावंद में बढ़ने पाए। यस मैंने एक्सेप्ट किया है आपकी ब्लेसिंग्स को और डेफिनेटली आई ऑल्सो वुड लाइक टू ब्लेस यू इन क्राइस्ट जीसस, कि प्रभु आपको बहुतायत से ये साल में बहुतायत के साथ प्रयोग करे। मैं तो यही मांगता हूँ कि ये साल जो है आपके लिए आत्मिकता का साल होने पाए, आपकी कलीसिया के लिए आत्मिकता का साल होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम इस वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है ये नए साल पर आधारित है, नए साल के ऊपर आधारित है। सो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है बहुत ही घबरा जाते हैं और 31 को, 30 तारीख को, 31 तारीख जब आती है तो हम घबरा कर सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या हम नए साल में प्रवेश करने पाएंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो क्या हम नए साल को देखने पाएंगे फिर से, क्या हम 31 को मनाने पाएंगे। और कई बार हम भय के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं, वो तो एक सांसारिक भय होता है, परंतु हाँ एक आत्मिक भय भी है जो कि बहुत ही आवश्यक है मेरे और आपके लिए, जिसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है कि यस लॉर्ड एक ऐसा डर दे जो तेरे प्रति हो, कि हम सब बुरी बातों से, हर एक शैतान की ताकतों से बचे रहें प्रभु, तेरे भय में हम बढ़ने पाए प्रभु यीशु, ये एक आत्मिकता का भय है। सो आइए इस नए साल पर, नए वर्ष पर हमारे लिए एक उत्साह है, उमंग है, आनंद है और एक नया जीवन जीने का अवसर है। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि 2022 जो है वो हमारे आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए, परंतु साथ साथ कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय अजीजों कि ये भविष्य की चिंता आने वाले कल का भय बन जाती है। और कई बार आप माता पिता होंगे, आप में से बहुत लोग जो होंगे वो पेरेंट्स होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके खर्चा बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती जा रही हैं, उनकी सुरक्षा की ओर अपनी आने वाली और अपनी आने वाली वृद्धावस्था भी होती है कि अरे अब तो हम एक साल और बूढ़े हो गए हैं, पहले हम एक साल यंग थे, नाउ एक साल हम और बूढ़े होते जा रहे हैं, जितने साल बढ़ते जा रहे हैं हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं, आप भी बूढ़े होते जा रहे हैं, तो एक चिंता बन जाती है कि यस हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भय चिंता हमारे जीवन का अंग है और एक ऐसा पहलू है जिससे बचा नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति नए साल पे एक खुशी तो होती है, आनंद तो होता है, उमंग तो होता है, परंतु साथ ही साथ एक ऐसा भय होता है जो कि मुझे और आपको कई बार परेशानी में डाल देता है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ये आने वाला साल जो आ चुका है, या तो आप प्रवेश कर चुके हैं, या 31 को या 30 को आप ये सोचते होंगे कि आने वाले साल में वो क्या घटना घट ना जाए हमारे जीवन में, कि हम फिर से 31 कहीं दे ऐसा ना हो कि हम ना देख पाए। मेरे प्रिय चीजों, कई वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो, अमेरिका एक शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है। थैंक यू भाई पास्टर नीरज, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, मे गॉड ब्लेस यू। सो मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूँ कि कई वर्ष पूर्व की बात है, कई सालों पुरानी बात है कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के वैज्ञानिकों के सम्मेलन हुआ, वैज्ञानिक लोग मिले और उसका सम्मेलन हुआ, उन लोगों का सब वैज्ञानिक लोग मिल करके उस सम्मेलन में शामिल हुए और एक वैज्ञानिक ने भाषण दिया उस सभा में कि आज पैदा हुआ बालक, जो आज बच्चा पैदा हुआ है, अपने जीवन में देख उसको उसको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जो आज बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है आपके परिवारों में भी बच्चे पैदा हुए होंगे, हो सकता है आपकी कलीसिया में भी बच्चे पैदा हुए होंगे इस दिसंबर में, अक्टूबर में,
बच्चे पैदा हुए होंगे। वो बच्चे, वो वैज्ञानिक सो उस भाषण दिया उसने और इस बात को कहा कि आज पैदा हुआ बालक अपने जीवन में देखने को उसको मिलेगा विश्व में ऊर्जा का संकट, समृद्ध देशों में अकाल। समृद्ध देश का मतलब आप जानते होंगे, एक ऐसे देश जो कि सर्व संपन्न है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो संपन्न है सब कुछ, वहां पर भी अकाल पड़ेगा जो तोड़ देगा सारी अर्थव्यवस्था को, भुखमरी, कंगाली की चरम सीमा और बहुत सारी समस्याओं को। मेरे प्रिय अजीजों, ये साल जो आता है हमारे जीवन में, कई बार हम यही प्रार्थना करते हैं और यही खुदावन से मांगते हैं कि होने दे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ये साल जो है वो आशीष का कारण बनने पाए। परंतु कई बार हम ये नहीं जानते कि ये साल जो आने वाला है हो सकता है कि हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आए, जो कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता, परंतु शैतान जो है वो हमारे जीवन के दरवाजे, यानी कि हृदय के दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, ताकि वो इस साल जो है उसको मैं फिर से हमको और कमजोर बनाने पाए। मेरे प्रिय चीजों, अर्थात अंधकार से भरा हुआ भविष्य कई बार हमको नजर आता है, भय और चिंता से भरा हुआ भविष्य, भय सफलता को असफलता की ओर मोड़ सकता है। कई बार हम डरते हैं, परंतु मेरे प्रिय अजीजों, आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूं कि भले चाहे कितनी भी चिंता हमको हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी भय हमारे जीवन में आया हो, आ रहा हो इस नए साल में देख करके, अरे अब तो बच्चे बड़े हो गए, अरे अब तो खर्चा बड़ा हो गया, अरे कोरोना वायरस तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, अरे कलीसिया में वृद्धि नहीं हो पा रही है, अरे लोग जो है वो चंदा नहीं दे रहे हैं कलीसियाओं में, अरे अब क्या होगा, ये चिंता है मेरे प्रिय चीजों, ये एक भय है। परंतु भय के बारे में ये बताया जाता है कि सफलता को असफलता की ओर मोड़ सकता है ये भय। जो सफलता खुदावंद आपको इस साल देने जा रहा है, हो सकता है कि ये भय जो आपके जीवन में अगर है, तो वो सफलता जो खुदावंद देना चाहता है उसको असफलता की ओर मोड़ सकता है, जीवन को आपके और मेरे तोड़ सकता है, मानसिकता को रोगी बना सकता है, व्यक्तिगत को नष्ट कर सकता है, जीवन को जीवित नरक बना सकता है। क्योंकि ये भय जो है वो बहुत खतरनाक है, सांसारिक भय जो बहुत खतरनाक है, ये पीड़ा भय की जो परिभाषा है कई बार हम समझ नहीं पाते। ये जो भय की परिभाषा है इसका मतलब ये है कि पीड़ा से भरी मानसिक स्थिति। देखिए, सुनिएगा मेरी बात को गौर से, पीड़ा से भरी मानसिक, मानसिक यानी कि मानसिक स्थिति, हमारे मन की जो स्थिति है वो पीड़ा से भरी हुई है। बाइबल के अनुसार भय हमारे सबसे पुराने पाप से जुड़ा हुआ है। सबसे पुराना पाप जानते हैं वो क्या है? सबसे पुराना पाप शायद आप समझ गए होंगे, सबसे पुराना पाप जो है बाइबल का, वो है आदम हवा की आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन लोगों ने किया और उसके बाद उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ और वो परमेश्वर से भयभीत होकर के, देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि वो परमेश्वर से भयभीत होकर के उन दोनों ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की, तब से लेकर के यानी कि उस उन हजारों लाखों वर्षों से लेकर के और आज तक संसार के हर व्यक्ति को भय से गुजरना पड़ता है। मेरे प्रिय अजीजों, कई बार हम इस बात को भी बोलते हैं, हम आदम की संतान हैं। वो आदम जिसने पाप किया, वो हव्वा जो हमारी माता थी जिसने पाप किया, परंतु मेरे प्रिय अजीजों, एक आदम वो भी हुआ जो कि अंतिम आदम था, जिसने पुराने आदम के सारे पापों को, उनके सारे गुनाहों को, बदकारी को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर, कलवरी क्रॉस पर उसने लहू को बहा दिया और वो अंतिम आदम हमारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह था मेरे प्रिय अजीजों। परंतु सभी प्रकार के भय जो हैं हानिकारक नहीं होते। कई बार हम सोचते हैं कि भय क्या हानिकारक है, नहीं, कुछ भय जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, कुछ भय अच्छे भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि बालक भय के कारण भीड़ भरी सड़क पर नहीं चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भीड़ में अगर बालक कहे कि मैं तो नहीं डरता हूं, मैं तो भीड़ में भी, हर गाड़ियों के बीच में भी चल सकता हूं, परंतु वो खतरनाक है। यानी कि वो भय होना चाहिए बच्चों को, बालकों को होना चाहिए, क्योंकि सड़क में वो
खाली ऐसे ही अकेले नहीं घूम सकते। भय के कारण हम खुद को आग आदि से बचाते हैं। कई बार हम कहते हैं हमको तो भय है ही नहीं, अरे आग में जंप लगा देते हैं हम तो, नहीं वो खतरनाक है, वो भी एक भय है। वैसा भय रखना अच्छी बात है मेरे प्रिय अजीजों, भय के कारण ही सावधानी से वाहन चलाते हैं हम लोग। कई बार आपको मालूम होगा, अगर आपके पास स्कूटर है या बाइक है तो आप भय के कारण हेलमेट लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे गिर जाएंगे मेरे प्रिय अजीजों, तो ये साल जो है वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो भय रखना है हमको, परंतु सब प्रकार के भय से बढ़ करके। अब देखिए जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस वचन के माध्यम से इस नए साल के अवसर पर, वो ये है कि परंतु सब प्रकार के भय से बढ़कर के सबसे अच्छा भय, सबसे प्यारा भय, सबसे न्यारा, सबसे सबसे बेहतरीन जो भय है वो परमेश्वर का आत्मिक भय है मेरे प्रिय अजीजों। सुलेमान राजा नीति वचन में एक बात लिखता है और वो कहता है नीति वचन उसका 1:6, आप जानते होंगे नीति वचन 1:6 में क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना जो है वो बुद्धि का मूल है। प्रेज द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना जो है वो बुद्धि का मूल है मेरे प्रेजिजों। यहां पर भी एक भय के बारे में बताया जा रहा है जो कि नीति वचन उसका 1:6 में है कि यहोवा का भय मानना जो है बुद्धि का मूल है मेरे प्रेजिजों। भाई गजानन भाई, मिथुन भाई, डेविड भाई, संदीप और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, राजकुमार, इवन मैं अपने आप को भी बोलता हूं बहन रचना, हम सब लोग जो खुदावन की महिमा करते हैं कई बार अपने पेजों पर आकर के मिलते हैं, संगति करते हैं। आज शाम को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यस, मुझे और आपको खुदावन का भय रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भय है हमारे जीवन में तो बुद्धिमता को हम प्राप्त करने पाएंगे। सुलेमान ने भी एक चीज़ मांगी खुदावन से और वो है बुद्धिमता, एक ऐसा भय जिसके द्वारा जीवन जो है आशीषित होता है, समृद्ध होते हैं हम, सामर्थी होते हैं हम। दूसरे प्रकार का भय, ये तो पहला भय है जो कि खुदावन का भय है मेरे और आपके जीवन में। और आज शाम को मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि भय रखिए, खुदावन के साथ भय रखिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल स्रोत है। अगर आप विजडम को प्राप्त करते हैं, अगर आप बुद्धिमता को प्राप्त करते हैं मेरे प्रिय अजीजों, आपके पास सब कुछ होने पाएगा। नॉलेज से आपको कुछ नहीं मिल सकता, आप ज्ञानवान हो सकते हैं। बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग जो हैं इस संसार में ज्ञानवान हैं, बुद्धिमता से परिपूर्ण नहीं है, वो ज्ञानवान है, ज्ञान है उनके पास, परंतु परमेश्वर की बुद्धि उनके पास नहीं पाई जाती। परंतु इससे हट करके दूसरे प्रकार का भय सांसारिक भय है। ये तो परमेश्वर का भय के बारे में बता रहा था मैं आपको, परंतु एक दूसरा भय भी है जो कि सांसारिक भय है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जिसके लिए वो कहता है मत डर मत डर, वो कहता है मत डर मत डर, डू नॉट फियर। 365 बार उसने बाइबल में, प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने वचन में 365 बार इस बात को कहा है कि मत डर मत डर। एवरी डे ही इज लेटिंग अस नो, एवरी डे ही इज टेलिंग अस, मुझे और आपको वो बताता है हर दिन इस भय के बारे में कि मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूं। संसारिक भय से तू मत डर, बाइबल बताती है कि चिंता से भरा हुआ संसारिक भय पाप है। संसारिक भय जो है वो पाप है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 21:8, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है कि हर डरपोकों का भाग, हर डरपोकों का, देखिए डरपोकों का कौन है, वही व्यक्ति जो डरता है, हर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय अजीजों। एक बार फिर से अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल करके इस बात को आप नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारे डरपोक लोग होंगे इस संसार में। इस साल आप बहुत सारे ऐसे डरने वाले लोगों से मुलाकात होगी आपकी, आपकी कलीसिया में, आपके परिवारों में। ये बात इनको बता दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़ के उनको बता दीजिएगा, अपनी कलीसिया के लोगों को अगर कोई डर रहा हो, एक बात कह दीजिएगा कि हे लोगों, हे मेरे प्रियजनों, हर डरपोकों का भाग जो है उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है।
और वो क्या होगा, दूसरी मृत्यु होगी। मेरे प्रिय अजीजों, हम दाऊद का वर्णन पाते हैं जो कि राजा शाऊल से भयभीत था। आप अगर वचन पढ़ा होगा, आपने पुराना नियम नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि दाऊद का वर्णन बाइबल में बताया गया है कि वो शाऊल से भयभीत था, डर गया था, क्योंकि शाऊल उसको मारना चाहता था, क्योंकि वह उसकी जान लेना चाहता था। कौन? शाऊल। और दाऊद का यह भय एक लंबे समय से बना हुआ था। वो डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि शाऊल मुझे मार दे, परंतु जब वह परमेश्वर के पास गया तो अपने अनुभव को लिखते हुए वो कहता है, एक बात कहता है। जानते हैं क्या कहता है वो? भजन संहिता 34:4 में जब वो खुदावन के साथ मिलकर के चलने लगा तो एक बात कहता है वो, भजन संहिता 34:4 में, मैं यहोवा के पास गया। क्या कहता है वो? दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, राजा दाऊद अपने खत में, भजन संहिता में लिखता है, भजन संहिता 34:4, आप कहीं पर लिख लीजिए इस बात को, और इस साल वो आपके लिए आशीष का कारण ठहरने पाएगा। राजा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रिय अजीजों, कई बार हम यहोवा के पास नहीं जाते, उसके साथ गुड़गुड़ाते नहीं हैं, अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें यहोवा के पास, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र, उसकी पवित्र आत्मा के पास हमें जाना है, और गिड़गिड़ा के उससे परमेश्वर का भय रखते हुए अपनी बातों को बताना है। तब वो मेरी और आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि मेरी बात को उसने सुन लिया और मुझे पूरी रीति से उसने क्या कर दिया, निर्भय कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34, यही 34:7 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है एक बहुत अच्छी बात कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34:7 यानी कि 34:7 आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत जो है वो छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 23:4 में एक बात लिखी हुई है, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराई से होकर के भी गुजरूं, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराई से भी होकर के गुजरूंगा, परंतु मैं हानि से ना डरूंगा, तब भी मैं हानि से ना डरूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, भजन संहिता 27:4 में एक बात लिखी हुई है कि यहोवा मेरे जीवन का उजाला है। दाऊद कहता है कि यहोवा जो है मेरे जीवन का उजाला है, वही मेरा मार्ग उद्धार वही है, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं, मैं तो अब किससे भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा जो है वो मेरा भाग है, वो मेरे जीवन का उजाला है, वो मेरा मार्ग है, वो मेरा उद्धार है, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, परंतु मैं यहोवा से डरूंगा। राजा दाऊद कहता है। मेरे प्रिय अजीजों, भजन संहिता 32:7 में भी एक बात कहता है, वो कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता उसका 32:7 में लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ा है। भजन संहिता 32:7 अगर बाइबिल है तो आप इस बात को निकाल करके पढ़ सकते हैं, या बाद में पढ़ लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिए, भजन संहिता 32:7 में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे छुटकारे के गीतों में घेर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34:9-10 जो कि बहुत ही विशेष आयत है, भजन संहिता 34:9-10 उसमें लिखा हुआ, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, जवान सिंहों को तो घटी होती है, और
वे भूखे भी होते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों को जो खुदावंद से डरते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होती। और ये साल मैं यही कहना चाहता हूँ अपने प्रिय लोगों से, जो जो खुदावंद से प्रेम करते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल एक बात, कि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का मूल स्रोत है। अगर आप खुदावंद से डरते हैं मेरे प्रियजनों, कोई भी भली वस्तु खुदावंद आपसे दूर नहीं रखेगा। अतः भय से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है कि परमेश्वर पर आइए हम भरोसा रखें। सांसारिक चिंताएं, भय शैतान की ओर से है। सांसारिक चिंताएं जो होती हैं मेरे और आपके जीवन में वो शैतान की ओर से होती हैं मेरे प्रिय अजीजों, उसके जाल हैं, ये जाल है जो कि जाल आपके सामने बिछा देता है और हम फंस जाते हैं। मनुष्य को मार्ग से भटकाने का एक तरीका है, परंतु परमेश्वर आज इस शाम को नए साल पर मुझे और आपको एक बात बताना चाहता है इस वचन के माध्यम से, कि हम ऐसे भय से मुक्त हो जाएं, ऐसे भय से मुक्त हो जाएं। वचन हमसे पूछता है, एक बात पूछता है आज इस शाम को, क्या हम चिंता करके अपने जीवन का एक भी पल बढ़ा सकते हैं? क्या हम चिंता करके अपने जीवन का एक भी पल बढ़ा सकते हैं मेरे प्रिय? मेरे पास तो उत्तर है, क्या आपके पास इसका उत्तर है? मेरे पास जो आज शाम को ये उत्तर समझ में आता है वो ये है, नहीं, कदापि नहीं। फिर से मैं बोलूंगा, नहीं, कदापि नहीं, नहीं, कदापि नहीं, मैं चिंता करके अपने जीवन का एक भी पल नहीं बढ़ा सकता मेरे प्रिय अजीजों। वैज्ञानिकों के अनुसार चार प्रकार के भय होते हैं। मेरा अभी समय है मेरे पास 15 मिनट, 15 मिनट में जल्दी से मैं चार भय के बारे में बताता हूँ आपको। पहला भय जो है वो हानि का भय मेरे प्रिय अजीजों, हानि का भय। कई प्रकार की हानियों के भय होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। लोग सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी छूट जाए, तनख्वाह कम हो जाए, से ना चले जाएं, कहीं लोग कलीसिया से चले गए तो दहेकी का क्या होगा, चंदे का क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हानि का भय, हानि का भय मेरे प्रिय चीजों। विश्व के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र की सलाहकार एक व्यक्ति लेडी थी जिसका नाम था श्रीमती ए लैंडर्स, श्रीमती ए लैंडर्स, और जिसके पास समस्याओं से ग्रसित लोगों के लेटर आया करते थे। बहुत सारे लोग उनको लेटर लिखते थे और वो एक महीने में लगभग लगभग करीबन 1000 लेटर उनके पास आया करते थे, 1000 लेटर एक महीने में। और वो 1000 लेटर्स को या तो पढ़ा करती होंगी या किसी से पढ़वाती होंगी, परंतु मूलतः जो बात जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बात बताई कि इन हजारों लेटर जब मैं पढ़ती हूँ, 85 यानी कि 85% जो लोग हैं वो भय का शिकार हैं। अपने जीवन में स्वास्थ्य के बारे में लिखते हैं, संपत्ति के हानि के बारे में लिखते हैं, परिवार में किसी की मृत्यु ना हो जाए उसके बारे में लिखते हैं। और जो मेन बात बताना चाहा है उन्होंने वो यही कि वो उस भय को अपने जीवन में बताते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में इस भय से मुक्त होने के संबंध में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। आज शाम को मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं जो कि मुझे और आपको मिलता है मत्ती रसी सुषमाचार, मत्ती रसी सुषमाचार उसका 6वां अध्याय। बहुत ही विशेष आयत है ये और बहुत ही भली आयत है जो कि मुझे और आपको एक एक बहुत बड़ा उत्साह वर्धन करेगी। ये आयत मत्ती उसका 6 बाप, मत्ती उसका 6 बाप 30 से लेकर के 32 तक। देखिए मैं आप इसको पढ़ता हूँ आपके सामने, ये बहुत ही अच्छी आयत है इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, इसको वचन से पढ़ना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसे भी बता सकता था परंतु मैं चाह रहा हूं कि आइए हम वचन से पढ़ें। मत्ती उसका 6:30, 31, 32 और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह
इनसे बढ़ करके क्यों ना पहनाएगा, क्योंकि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, देखिए लिखा हुआ है कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब चीजों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय चीजों, ये देखिए जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि इन सब बातों की हमें आवश्यकता है। वो तो सर्व संपन्न परमेश्वर है। मेरे प्रिय चीजों, राजा दाऊद जो है वो भजन संहिता उसका 37 यानी कि 37वीं आयत का 37वें अध्याय की 25वीं आयत में एक बात लिखता है कि मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, भजन संहिता 37:25 में लिखा हुआ है कि मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर अपने वचन, परमेश्वर पर उसके वचन पर भरोसा करो। आज शाम को जो मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि हानि का भय होगा मेरे और आपके जीवन में। कई बार हम हानि के भय से परेशान होंगे, परंतु उससे बढ़कर के आज शाम को जो ये बात जो है बहुत ही कीमती है कि परमेश्वर पर उसके वचन पर भरोसा करें हम, और हम कभी हानि के भय से ना डरेंगे। अगर हम खुदावंद पर भरोसा करते हैं तो हम हानि के भय से ना डरेंगे। मेरे प्रियजनों, ये साल जो है वो यही मुझे और आपको बताना चाहता है। इस वचन जो है इस साल में मुझे और आपको उत्साहित करना चाहता है कि हाँ, मुझे और आपको भी इस संसार में रहते हुए हानि का भय हो सकता है और होगा, परंतु इससे बढ़कर के आज इस साल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और अपने आप को भी अवगत करना चाहता हूं दोबारा फिर से एक बार कि मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर पर उसके वचन पर हम आइए, भरोसा करें और कभी हानि के भय से ना डरेंगे। दूसरी बात, दर्द और दुखों का भय। मेरे प्रियजनों, इस संसार में जब मैं और आप रहते हैं तो मुझे और आपको कई बार दर्द का भय, दुखों का भय होता है कि मैं स्वयं मिशन के कार्य में बहुत सालों से हूँ, लगभग 25 साल से हूँ, हालांकि इस मिशन के कार्यों में खुदावंद के इस महान आदेश की पूर्ति के लिए लगभग लगभग 24 साल हो गए हैं, 25वां साल चल रहा है। और ये मैं कहूँगा कि उससे पहले भी जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल में था, छोटा बालक था, तब भी अपने पिता के साथ मैं जाया करता था। उस शुभ संदेश के, सुषमाचार की बढ़ोतरी के लिए कई बार मैं लोगों के, सेवकों के साथ जाया करता था। तो मैं कहूँगा ये खुदावंद ने मुझे और आपको एक पर्पस के लिए बनाया है ताकि हम ऐसे बहुत सारे गमशुदा लोगों को जो कि दर्द और दुखों का भय रखते हैं, मेरे प्रिय अजीजों, उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। परंतु कई बार इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, मेरे प्रिय अजीजों, और वो दर्द और दुखों का भय लेकर के इस जीवन में जीते हैं। हर साल जो है वो यही सोचते हैं, अरे हमारा बीपी तो हाई है, शुगर हाई है, अरे हमको तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और उसी में वो पूरा साल गुजार देते हैं, मेरे प्रिय अजीजों। और जब दुर्घटना देखता हूँ, कई बार दुर्घटना हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तो कुछ घबराहट भी होती है दुर्घटना जब देखते हैं। घर से बाहर निकलते हैं हम और आप, तो पत्नी कहती है और या माता जी कहती हैं या बहन कहती है कि संभल कर जाना। और मेरे पिताजी जब थे संसार में, तब वो भी ये कहा करते थे मेरे से कि भैया स्कूटर जो है वो ढंग से चलाना, ड्राइव करना, देख करके, हेलमेट लगा करके, हमें हमेशा ही इन संसारिक दुखों, दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। परंतु ना सिर्फ संसारिक बल्कि मानसिक दुख भी होते हैं, अपने लोगों की बातों से मिला दर्द, मेरे प्रिय अजीजों, मित्रों के छल से अपने को विश्वास
विश्वासघात से मानसिक दुख होता है। कई बार मानसिक अशांति के कारण मानसिक दुख होते हैं मेरे प्रिय जीजों, जो कि बहुत ही परेशान करते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे जीवन के दुख दर्द को लेकर के उन्हें आशीष बना देता है। आज इस शाम को मैं यही कहना चाहता हूँ नए साल के अवसर पर कि आइए मैं और आप अपने मानसिक और अपने संसारिक अपने शारीरिक उन दर्द को उन भय को खुदावन के क्रूस के सामने ला करके इस साल हम उस पर अर्पित करें और हम ये कहें खुदावंद तू तो हमारा बड़ा राजा है। परंतु परमेश्वर हमारे जीवन के दुख दर्द को लेकर के उन्हें आशीषित बना देता है। जब हम क्रूस पर अपने दर्द और दुखों को लेकर के आते हैं उसके चरणों पर अपने दुखों को डाल देते हैं मेरे प्रियजनों, जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर के उन्हें हमारे जीवन का सहारा और आशीष बना देता है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी समस्याओं को अपने पर उठा के ऑलरेडी क्रूस पर चढ़ चुका है मेरे प्रिय अजीजों। 2000 वर्ष पहले उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया है मेरे प्रिय अजीजों, ताकि मैं और आप जो है स्वतंत्र हो जाएं। मेरे प्रिय अजीजों आइए हम और आप अपने सारे मानसिक शारीरिक और जो भी ऐसे दर्द हैं दुख हैं उनको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के सामने ले आए, जहां पर वो प्रेम को दर्शाता है। मेरे प्रिय अजीजों काफी वर्ष पहले की घटना है, काफी वर्ष पहले की घटना है। सागर एक जगह है जहां पर भाई नीरज लहरी रहते हैं, पास्टर नीरज लहरी। वो आसपास का शहर है, मतलब जगह है सागर। और सागर के चर्च के प्रचार के दौरान हमारे फादर बताते हैं, हमारे पिताजी बताते थे कि ये कभी वो गए थे वहां पर और उनको अवसर मिला कि उनके एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को मिलने का अवसर मिला जिसके हाथ पैर जो थे वो क्या थे, कटे हुए थे। और हाथ पैर जो थे वो कटे हुए थे और उनका विश्वास, परंतु उस व्यक्ति का जो था विश्वास जो था वो क्या था, बहुत दृढ़ था। और परमेश्वर के लिए उसकी गवाही उसके कटे हाथ पैरों की खामोशी जो थी वो गवाही दे रही थी, क्योंकि उसको खुदावन पर बहुत भरोसा था। मेरे प्रिय अजीजों कई बार मेरे और आपके हाथ पैर हैं, शरीर के सब अंग हैं, परंतु मानसिकता से हम शिकार हैं, मानसिकता से हम डरे हुए हैं। हमारे जीवन का दर्द जो है वो हमको खुदावन पर भरोसा रखने के लिए अवसर नहीं देता। तो हमारी दशा उस हाथ पैर कटे हुए व्यक्ति से भी बुरी होती है मेरे प्रिय अजीजों। हालेलुया। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब परिवार के दुख दर्द आते हैं तो परिवार की एकता और मजबूत हो जाती है। पौलुस को एक अज्ञात बीमारी थी, आपको ये मालूम होगा कि उसको एक अज्ञात बीमारी थी, उसके शरीर में एक कांटा चुभोया गया था और उसने उसे दूर करने के लिए प्रभु से विनती की। दूसरा कुरंथियों उसका 12:9 में लिखा हुआ है और उसने एक बात कही और उसने इस बात को कहा, दूसरा कुरंथियों 12:9 में लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा। किसने किससे कहा मेरे प्रिय अजीजों? परमेश्वर ने पौलुस से एक बात कही और क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय अजीजों खुदावन का अनुग्रह आज इस शाम को, मैं यही प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके कान है और सुनने पाते हैं, उन लोगों के लिए जिनका हृदय है और अपने हृदय की गहराइयों से वो इस बात को जानना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ आज इस शाम को, 2 कुरिन्थियों 12:9 में ये खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कहना चाहता है वचन के माध्यम से। वो कहता है कि मत घबराओ, तुम्हारे इस सांसारिक भय को, तुम्हारे एक मानसिक दर्द को मेरा अनुग्रह उसके लिए काफी है। और इस सांसारिक दुख दर्द भय से मुक्त करने के लिए परमेश्वर का मात्र अनुग्रह ही काफी है मेरे प्रिय अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, असफलताओं का भय। कई बार मुझे और आपको असफलताओं का भय होता है। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर चढ़ करके आसमान छूना चाहते हैं, लेकिन हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है और हम उसमें भयभीत रहते हैं। रहने के लिए ये सफलताओं हमारे जीवन में तब आती है जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते। मेरी बात को फिर सुनिएगा,
जो मैंने बताना चाहा है वो ये बताना चाहा है कि हम कई बार अपने जीवन में क्षेत्र में अपने जीवन के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, लेकिन हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है और हम उसमें भयभीत रहते हैं। लेकिन ये असफलताएं हमारे जीवन में तब आती है, जानते कब आती है, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते और अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं हम मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई आई आई। मेरे प्रिंसेसो आज इस साल में, मैं इस साल के प्रथम दिन में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आइए मैं और आप अपने आई को काट दें, वो आई वो मैं को, जिस प्रकार से मीट काटने वाला जो बूचर जिसको हम लोग बोलते हैं, जब वो बकरी को काटता है तो मैं, जब मैं बकरी चिल्लाती है उसको काट देता है। मेरे प्रियो आइए मैं और आप भी अपने मैं को काट दें, अपने अंगीकार को, अपने अहंकार को काट दें, और जैसे यीशु मसीह ने भी अपने आप को, आई को काट करके उसने उस क्रूस को बना दिया, आइए मैं और आप भी अपने आई को, अपने अहंकार को काट दें, अपनी इच्छाओं को खुदावंद के क्रूस के समीप ले आए। इस शाम को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इब्रानियों के 11वें अध्याय में ऐसा महान लोगों का वर्णन किया गया है मेरे प्रिय अजीजों, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, आइए मैं और आप भी उस पर विश्वास रखें। यहोशू उसका 1:1-9 तक अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर भी उसके बारे में बताया गया है, यहोशू ने खुदावन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास रखा और वो उसके साथ था। मेरे प्रिय अजीजों, वो उसके साथ साथ बना रहा, उसको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने यहोशू को संभाल करके रखा और उसने एक बात कही अपने वचन में कि तू जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और आज शाम को मैं यही कहना चाहता हूँ इस नए अवसर के, नए वर्ष के अवसर पर, कि खुदावंद आपके साथ हो, जहाँ कहीं भी आप जाएं परमेश्वर आपके साथ बना रहे। परंतु वो कब होने पाएगा, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु खुदावंद परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए अपने कार्यों को खुदावंद के हाथों में सौंपते हुए अगर आप चलेंगे, मेरे प्रिय अजीजों, खुदावंद आपके साथ होने पाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, वो आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि उसने यहोशू को एक बात कही थी और एक बात उसने ये कही थी कि व्यवस्था की ये पुस्तक जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ मैं कि ते चित से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार से करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये शाल मैं यही कहना चाहता हूँ, आइए हम भी और हम भी खुदावंद परमेश्वर का भय रखें, व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे और आपके चित से उतरने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने एक बात कही अंत में यहोशू से कि तू जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इसीलिए आइए मुझे और आपको क्या करना है, याब से आगे बढ़े। हालेलुया, याब से आगे बढ़े, परमेश्वर पर विश्वास करें, वचन के मार्गदर्शन में चल करके परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम चले। हालेलुया। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, मेरे प्रिय पास्टर लोगों, मेरे प्रिय भाई बंधु, मेरे प्रिय अजीज नाते रिश्तेदारों, अगर आप सुनते हैं कहीं से भी सुनेंगे मेरे इस वचन को, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा खुदावन इस बात को ध्यान रखने में कि खुदावन मैं इस साल ही आपसे आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर तुझ पर मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। खुदावंद मार्ग, वचन के मार्ग दर्शन में चल करके ही परमेश्वर तेरी व्यवस्था के अनुसार मैं चलूंगा, खुदावंद तेरी व्यवस्था के अनुसार मैं चलूंगा, ताकि खुदावंद मैं नहीं परंतु तू मुझ में से कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया।
अंतिम भय जिसकी मैं खत्म करता हूं अपने वचन को, और अंतिम भय जो है वो है मृत्यु का भय। उन्हें देखिए इस साल आपके जीवन में मृत्यु का भय ना होने पाए। हालेलुया। सारी चिंताएं, क्योंकि कोरोना वायरस था और हम सब लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था, मैं भी सोचता था कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को मरते हुए देखा। परंतु आज इस साल में खुदावंद मुझे और आपको एक बात बताता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पाप है, ये इस तरह का भय भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हमारा विश्वास खुदावंत से उठ जाता है और हम मृत्यु का भय अपने जीवन में ले आते हैं। इसलिए सारी चिंताओं, सब प्रकार के भय से सबसे बड़ा जो भय है वो है मृत्यु का भय, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो, अक्सर वह भी मृत्यु के भय से कांप उठता है। कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, राजा हेरोदेश भी जो बहुत ही सामर्थ्य था, परंतु मृत्यु का भय उसको खाया करता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, जिसने कई कई देशों को अपने कब्जे में कर लिया था, परंतु एक भय से डरता था और वो था मृत्यु का भय। मेरे प्रिय अजीजों, पहला कुरंतियों उसका 15 बाप उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है, मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है। लोगों को अपनी मृत्यु का भय होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर वे अधिक से अधिक धन कमाते हैं, व्यापार जमाने की चेष्टा रखते हैं ताकि अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। कई लोग बहुत सारी LIC लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि उनके मरने के बाद उनके बच्चे, उनका परिवार जो है वो कई सालों को और देखने पाए अपने जीवन में। बहुत लोगों को अपने प्रिय, अपने मित्रों की मृत्यु का भय होता है, क्योंकि उनके अलगाव, उनके बिछों की मात्र कल्पना से ही वे सिसर उठते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, वचन हमको आज शाम को एक बात बताता है, यहुन्ना उसका 14 बाप उसकी 19वीं आयत, यहुन्ना उसका 14 बाप उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं जीवित हूँ कि तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह हमारा जीवित है मेरे प्रिय अजीजों, वो मरा नहीं है, क्योंकि वो जीवित है, हमारा जीवित परमेश्वर है। हम खुदावन जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे अजीजों, वचन में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं इस बात को कि मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हम जो है मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परंतु हम ऐसे खुदावंद की आराधना करते हैं जो कि मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कि कब्र के दरवाजे को खोल दिया है, उस पत्थर को लुढ़का दिया है, और हम खुदावंद जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 14 बाप उसकी 19वीं आयत में, इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए मत घबराओ उस मृत्यु से जो कि मेरे और आपके लिए एक नासुर बन गई है। इसलिए आइए उस नासुर को अपने जीवन से, उस डर को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दें, और खुदावंत प्रभु यीशु मसीह में हम शादमान होने पाए और कहने पाए कि अगर मैं जीऊँगा तो मसीह के लिए, और अगर मैं मरूंगा तो खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि पौलुस भी इस बात को लिखता है अपने खत में फिलिपियों उसका 1 बाप उसके 21वीं आयत में, कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु ने मृत्यु को परास्त किया है। एक युद्ध था, एक संघर्ष था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित करके हम सब लोगों के लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पौलुस के माध्यम से मुझे और आपको बताता है कि वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। उसने मृत्यु की हंसी उड़ाते हुए कहा, एक बात कही मृत्यु को, पौलुस ने हंसी उड़ाते हुए एक बात कही, और उसने हंसते हुए इस बात को कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, तेरा डंक कहाँ है, और यह इसका
कारण, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और आज शाम को इस नए साल पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर से एक बात निचोड़ जो ये है, ये खुदावंद आपके साथ है, मत डरो। यहोशू के साथ था, दाऊद के साथ था, वो पौलुस के साथ था, वो पीटर के साथ था, वो आज आपके साथ भी है। निष्कर्ष, आज का संदेश का निष्कर्ष जो है वो ये है मेरे प्रिय अजीजों, नए साल पर खुदावंद मुझे और आपको एक बात बताना चाहता है। सो यदि आज आपके जीवन में कुछ भय है जो आपको डरा रहा है, तो परमेश्वर की ओर देखें, डर को थप्पड़ मार के, डर को ढकेल करके किनारे कर दें और यीशु मसीह की ओर देखें, अपने अब्बा फादर की ओर देखें। वही एक बात को बताता है और देखने के बाद एक बात कहें कि आज यदि हृदय में किसी का भय है तो हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा भय है। ये हम कहने पाए उसकी ओर देख करके कि अब मैं उस डर से नहीं डरूंगा जो कि संसारिक भय है, परंतु अब मैं खुदावंत उससे डरूंगा जो कि आत्मिक भय है, जो कि आत्मिक भय है, और मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि वचन ने आज मुझे और आपको बताया है कि परमेश्वर का भय परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का स्रोत है। खुदावंद मैं तुझसे डरने पाऊंगा। यदि जीवन के दर्द और दुखों का भय है तो आज याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। यदि असफलताओं के भय से बचना चाहते हैं आप और हम, तो आइए परमेश्वर की इन इच्छा अनुसार हम जिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए। मृत्यु का भय कदापि ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर गलबा हासिल कर चुका है। मेरी प्रार्थना आज शाम को नए वर्ष पर आपके लिए आनंद से पूर्ण हो, यही प्रार्थना है कि आप आनंद से, आत्मा से परिपूर्ण हो, निर्भयता से भरे हो, परमेश्वर का उजाला, उसकी दया, उसका अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद, हम बड़े ही दीनता नम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस के समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, विनती करते हैं खुदावंद, होने दे कि तेरा लहू हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। परमेश्वर तूने तो हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, अपने उस बदन को तोड़ा है, परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, प्रभु आदि अनादि काल के जितने भी पाप थे गुनाहों को साफ कर दिया है, और ये साल हमारे प्रियजनों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु होने दे कि हम डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो, लज्जित ना हो, हम कायरता का जीवन ना जिए, परंतु विश्वास के साथ, धीरजता के साथ, परिपूर्णता के साथ, बलवंत होते हुए खुदावन तुझ पर भरोसा रखते हुए, हम तुझ पर भरोसा रखते हुए उस भय को माने जो कि यहोवा का भय है, परमेश्वर का भय है। अपने जीवन में सारे भय को हम क्रश करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तब यीशु मसीह के नाम से सारे भय को जो है वो अंधकार के उस अथाह कुंड में डालते हैं, और जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह उजाले के भय को जो कि परमेश्वर का भय है अपने जीवन में रखते हैं। ये साल में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु, अगर हम डरें तो अपने खुदावन परमेश्वर की उन आत्मिक बातों से हम डरने पाएं, परमेश्वर तुझ पर तेरा भय रखने पाएं, प्रभु कोई गुनाह ना करें, कोई मुश्किल, कोई परेशानी में पड़े तो खुदावन तुझ पर हम भरोसा रखें, और होने दे हमारे प्रियजनों को तू संभाल प्रभु। हालेलुया, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके विश्वास को तू और बढ़ा प्रभु, अपने लहू से कवर्ड कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी लॉर्ड, एंड दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ ट्रस्टिंग ऑन यू। ये साल जो है भरोसे का साल होने पाए, ये साल जो है धन्यवाद देने का साल होने पाए, ये साल जो है खुदावंद पर भय रखने का साल होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। खुदावंद आपके साथ है, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे। एक बार फिर से ये साल जो है वो आपके बेहतरी के लिए होने पाए।
लगातार खुदावन में आप बढ़ने पाए। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, आप सभी को शब खैर। और ये साल के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यूज यू फॉर योर फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया, अपनी महिमा के लिए आपको सबको प्रयोग करें। थैंक यू फॉर दिस पेज भाई अनुपम डेविड एंड बहन शबनम डेविड, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस दिस पेज फॉर गॉड्स ग्लोरी। टेक केयर, बाय बाय।